इनका अमन चोपड़ा है, लेकिन काम इनके अमन से कोसों दूर है। डालते थे और हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पे मुखर हुआ करते थे, कल से अंडरग्राउंड है। क्यों? क्योंकि अमन चोपड़ा पर केस दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है एंकर अमन चोपड़ा पर, वो भी राजस्थान के दो अलग अलग जिले डूंगरपुर और बूंदी में। मामला नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आज दोस्तों थोड़ा तो सुकून मिलेगा, क्योंकि अमन चोपड़ा के नाम के वारंट निकल चुके हैं और आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, तो अंत तक जरूर देखें। तो पहले हम थोड़ा शुरू करते हैं सच्चे पत्रकारों से। देखें इस वीडियो क्लिप में एक सच्चा पत्रकार कैसे रिपोर्टिंग करता है और कहीं इनके शो में उछल उछल कर लोगों पर उंगलियां करके नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ जनता का पक्ष जनता के सामने लेकर आते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, इट्स अबाउट नीड ऑफ मैनी वर्सेज इट्स अबाउट नीड ऑफ फ्यू। डिमोलिशन का एक क्रूर इतिहास रहा है, इसे आप केवल हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के हिसाब से नहीं देख सकते, ना ही केवल कानूनी आधार का सहारा लेकर बुलडोजर कर सकते हैं। अवैध कॉलोनियों की लड़ाई दिल्ली के लोगों ने मिलकर लड़ी है, तब सबको रहने की जगह मिली है। अगर यह लड़ाई धर्म के नाम पर होने लगेगी तो इन बस्तियों का अधिकार छीनता चला जाएगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड DUSIB की वेबसाइट के अनुसार जहांगीरपुरी एक नोटिफाइड इलाका है जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। यहां पर मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। ऐसे इलाकों में कानूनी तौर पर फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी संपत्ति कमर्शियल है और कौन सी रेसिडेंशियल। गरीब लोगों के घर हैं, जहां रहते हैं वहीं दुकानें लगाकर जीवन चलाते हैं, इसलिए यहां आप किसी मकान को दुकान या दुकान को मकान बताकर इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इस इलाके को रिहायशी मानते हैं तब फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से फिर से किसी और जगह बसाने का इंतजाम कीजिए। गोदी मीडिया कूद फांद कर टीवी के स्क्रीन पर हंगामा पैदा करता है। हाव हाव झाव झाव के बीच में ऐसी बातें आप दर्शकों से दूर की जाती हैं, ताकि आप टीवी देखने के बदले सोचना बंद कर दें और हाव हाव झाव झाव करने लगे। मेयर बहुत शान से बता रहे हैं कि नोटिस जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज जो आपने एक्शन लिया जहांगीरपुरी में, इसके नोटिस गए थे लोगों को जिनकी आज डेमोलिशन हुई है, नोटिस कब भेजे गए? एक्चुअली क्या है कि ये जो जंगीपुरी के अंदर RW की पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट आ रही थी, कुछ कबाड़ी लोग थे जिन्होंने कबाड़ पूरे रोड के अंदर ही डाला हुआ था। अगर आपने जाकर देखा भी होगा तो कबाड़ी का काफ़ी वहाँ जो बोरे भरे हुए थे, जिसकी वजह से रोड के अंदर ट्रैफिक जाम रहता था और पब्लिक बहुत परेशान थी। तो कई बार हमने उनको वर्बल भी कहा, उनको मैसेज भी किया, तो उस चीज़ के लिए हमें कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो तभी उन कबाड़ियों को रोड से हटाने के लिए ये एक्शन लिया गया। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर गोदी चैनल पर काम करने वाला शख्स गोदी चाटुकार हो। देखें इस क्लिप में इस गोदी चैनल के एक पत्रकार ने बेबाकी से सत्य कहा है कि मंदिर मस्जिद के टूटने से सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी गीदड़ों को ही फायदा हो सकता है। अब देखिए सियासत में वार पलटवार का दौर जो है बड़ा तेज होता है। अलवर में मंदिर टूटा, इसे ढहा दिया गया, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस BJP पर और BJP कांग्रेस पर आरोप लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। BJP ने तो तीन सांसदों की टीम को मैदान में उतार दिया है, एक जांच कमेटी बनाई है जिसे अलवर भेजा है। BJP का सामना इस हकीकत से भी हो रहा है कि उसी के नगरपालिका बोर्ड ने इस मंदिर को गिराने का प्रस्ताव दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उधर कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस नाजुक मसले पर खुद को पाक साफ दिखाया जाए, क्योंकि BJP बार बार कोशिश कर रही है कि उसे एंटी हिंदू दिखाकर अगले साल चुनावों में फायदा उठाया जाए। पिछले दिनों जहांगीरपुरी में मस्जिद और गरीबों के घर टूटने पर जो गोदी चाटुकार जश्न मनाते हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो अलवर में मंदिर के टूटने पर कैसी पत्रकारिता देते नजर आए वो हम अगले क्लिप्स में देखेंगे। और गौर से सुनते जाइए कि ये आपको क्या क्या झूठ परोस रहे हैं, ताकि सिर्फ इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो सके। पर चिंता की कोई बात नहीं, इनके सारे एजेंडों की पोल खोलेंगे हम इस वीडियो में। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। गिरिराज जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और मेरा सीधा सा पहला सवाल आपसे,
राजस्थान में मंदिर टूटने पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में कांग्रेस पार्टी ले रही है। गहलोत सरकार का मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का जो फैसला है वो ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि क्या राजस्थान सरकार की ये कार्रवाई जहांगीरपुरी का बदला है? क्या सियासी लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है जहां बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से ही दिया जाएगा? रुक जा मादक चुदाऊ। क्या ये लड़ाई अब तेरा बुलडोजर और मेरा बुलडोजर वाली हो चली है? कानून तोड़ने वालों पर अगर एक्शन होगा तो फिर उसका सियासी जवाब देने के लिए हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग अब तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर हो हंगामा कर रहे थे, आखिर वो सेक्युलर गैंग अब क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों उनके मुंह से अब अलवर में मंदिर तोड़ने के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकल रहा? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान आज जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है अलवर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर, दरअसल एक वीडियो जो है वो सामने आया है। नहीं। तो हमारा गुल्लू तो बहुत ही दुखी हो गया इस बात से और वो टूट कर बिखरने लगा और उसने साफ ही अपने चैनल पर लिख दिया कि कांग्रेस सरकार ने क्यों चलाया 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर, क्या ये जहांगीरपुरी का बदला है बाबू? अभी आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे गुल्लू जी। तो पहले ये अगला क्लिप गोदी चैनल्स का ही है, ये देखे जरा। इसी महीने की 17 तारीख को अलवर में राजगढ़ के इस मंदिर पर कुछ इस तरह से बुलडोजर चला था। लोग मन महसूस कर रह गए। घरों के साथ 300 बरस पुराना मंदिर भी जमींदोज हो गया। कहा यह गया कि मास्टर प्लान के दस्तावेजों में मंदिर नहीं है और सड़क को चौड़ा करना है। 5 दिनों तक मामला दबा रहा, लेकिन आज तक पर शुक्रवार को मामला उठने के साथ ही सियासत का पहिया तेजी से घूमा। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, इसमें कोई नमक मिर्ची नहीं लगाई हुई और इसमें साफ साफ एक बात कही गई है कि इस महीने की 17 तारीख को ये मंदिर को खंडित किया गया और जहांगीरपुरी का खंडन हुआ था 20 तारीख को। पर ये सारे गोदी मीडिया चैनल्स ये हिंदू भाई बहनों को यही पढ़ा रहे हैं कि ये जहांगीरपुरी का बदला लिया गया है। तो आगे जरा देखें हमारे इंडिया के बेहतरीन कॉमेडी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद हमारे गुल्लू के चैनल पर अपनी ही पार्टी के कार्यों के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं और अमन बगौड़ा जी देखे कैसे दुखद हृदय से चाटुकारिता भी दिल से नहीं कर पा रहे। अबे भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमन जी, आप डिबेट शुरू करें उससे पहले मैं इस औरंगजेबी जो कृत्य है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है इसके मुझे सुनना ही नहीं है। तो इसके मैं ओपोजिशन में वे उसके विपक्ष में पूरी डिबेट यहाँ पर बैठ के करूँगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा और मस्जिद का बदला महादेव से लेने के लिए, राहुल गांधी अपने आप को जनयुधारी तो कहते हैं पर वो आज उन्होंने साबित कर दिया राहुल जहांगीरपुरी है। किसी कार्य में बाधा ये मंदिर है तो आप मंदिर को स्थानांतरित होते हैं, पूर्व में भी हुए हैं, मगर जिस तरह से ये ड्रिल कर महादेव को निकाला जा रहा है ये अपने आप में शायद मुझे लगता है कि ये अक्षम्य है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये शम में नहीं हो सकता, जिस तरीके से गिराया गया है धड़धड़ा करके सारा मंदिर गिर गया ये अक्षम में है। और एक चीज याद रखिएगा, वो महादेव है दादा, उनके साथ ये शोभा नहीं देता। Okay. और मुझे भी लगता है कि मैं खड़े होकर जब शहजाद बैठ सकता है नीचे, शहजाद भाई मतलब तो ये मुझे, मुझे भी शोभा नहीं। जी, आप ऐसे नीचे बैठेंगे हम कैसे खड़े हो पाएंगे? मुझे तो रहन दो फिर। शोभा नहीं देगा अगर बात ऐसी है तो फिर नहीं मैं बैठ पाऊंगा। और मैं तो हम लोगों का जीवन है महादेव के लिए दादा, अब धरने पर बैठने से थोड़ी ना मंदिर बन जाएगा। स्वामी के साधुओं के लिए भी हम बैठे थे।
भाटी जी आप भी कुछ बोल लीजिए फिर अभी भाई के पास एक ही साथ चलेंगे। मैं बोल रहा हूं प्लीज जल्दी, अगर अगर डिबेट्स में ये ड्रामा होना है, ये जोकरपना होना है, मुझे तो इसका इसे छोड़ ही देना चाहिए। मेरा यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। कोई गंभीर बातें भी कभी होनी चाहिए। मंदिर के दुर्भाग्य ये है, मंदिर के समर्थन ड्रामा नहीं, शिवलिंग काटा गया है गंभीर बात नहीं है, शिवलिंग काटा गया है गंभीर बात नहीं। और अगले क्लिप्स में हम देखेंगे हमारी अंजना दीदी ने कैसे मारी पलटी। शायद जब देखा हो कि ये तो गोदी चाटुकारों का बुरा टाइम शुरू होने वाला है, अब थोड़ा हल्के हल्के दूसरी पार्टी की तरफदारी करना शुरू कर देती हूँ। पूरे क्लिप्स देखें और भक्तों को भी दिखाएं और थोड़ा हेटरेट कम करवाएं। गौरव भाटिया जी, अगर आप जहांगीरपुरी में मस्जिद के बाहर बुलडोजर चलाएं तो कानूनी है, और अगर अलवर में एक मंदिर पर इसी तरह से बुलडोजर चले तो वो हिंदुओं को खत्म करना चाह रहे हैं देश से, ये कैसे चलेगा सर? दो लाइन कैसे चलेगी? जो जालीदार टोपी लगा के चुनाव में अगर मुस्लिम ज्यादा है तो राहुल गांधी खड़े होते हैं, वो बदला कैसे ले जहांगीरपुरी का? वो कैसे बदला ले जो खरगोन में अलवर बदला है जहांगीरपुरी का? मैं बात, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल है, ये बदला है। कैसे बदला है? बताता हूँ कैसे। लेकिन जहांगीरपुरी में अगर उग्रवादियों को हमने सजा दी, अगर पत्थरबाजों को सजा दी तो मंदिर टूटेगा? ये कौन बोल रहा है? जनऊधारी हिंदू जो पाप लगेगा सोलो तुमको, ढोंगी हिंदू राहुल गांधी बन रहा है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दो। यहाँ पर अगर हिंसा हुई है कोई भोली है क्या ये जनता? इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगले दिन क्यों वहाँ पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला? इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बुलडोजर चलने पर ट्वीट किसका आया? शिवसेना की एक सांसद का, जिन्होंने कंगना रनौत का घर गिरा दिया था। सर कल आप अच्छे नहीं लगे, आपके घर पे ना चल जाए बुलडोजर। जी जी जी, कल आप अच्छे ना लगे तो कहीं आपके घर पे ना बुलडोजर चल जाए। कि कल तक तो ठीक बोलता था हमारे पक्ष में, आज हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा बुलडोजर। एक बात तो आपने प्रचार के वक्त बताया ही नहीं था और दो, कि आप लोग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। सेंचुरी आपने पेट्रोल की भरवा दी है, कुकिंग ऑयल की डबल सेंचुरी बन गई है। आपकी गाड़ी में कौन से पंख लगे हुए हैं? अभी गाड़ी से ही आए होंगे सर। आप लोगों को कीमतें नहीं चुपती हैं? कौन से डाइट प्लान पर हैं कि खाना की जो कीमतें बढ़ी हैं वो आपको नहीं चुपती हैं? आपके तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया है महंगाई पर। धर्मांतर किए थे, कीमत बढ़ी है पेट्रोल की। सुन लीजिए मेरे सर, प्लीज सर, तो चुनाव आप धूल झोंक रहे हैं ना, इतना इतना धूल लेकर आए ऐसे आंखों में उड़ा रहे हैं। पुलिस स्टेशन चले, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मैं यहां हूं। मैं बहुत छोटे शहर रांची की रहने वाली हूं। लोरेटो से मैंने वहाँ पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं डीयू में आ गई, उसके बाद अचानक मैंने जामिया ज्वाइन किया। हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमने चावल दाल तिलहन सब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। सेंटर कितना एक्साइज ड्यूटी लेती है? This morning because they wanted that you to sleep on a Saturday morning. No, I just. और अंत में फिर एक बार हम अमन भगोड़ा जी की और उनके चैनल की पोल खुलते हुए देखेंगे हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी जी से। अगर हमारे युवकों को मीडिया की तरफ कुछ सीखना है तो ऐसे पत्रकारों से सीखना चाहिए जैसे साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और बहुत बेहतरीन टीम्स हैं न्यूज लॉन्ड्री जैसी, जो जनता के सामने असली सच लेकर आती हैं। सामने दिखाया गया कि जहांगीरपुरी में जो मस्जिद को तोड़ा गया था, वही राजस्थान की सरकार ने मंदिरों को तोड़कर बदला लिया है। अब इसमें कितने झूठ हैं एक साथ, और ये जो ट्वीट डिलीट करके भाग गया है उसके मैं आपको तथ्य बताती हूं। सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये दिखाया गया कि ये 22 अप्रैल को हुआ है और 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी की घटना हुई थी, वो खुद ये चैनल भी बता रहा है। अब सच ये है कि 22 अप्रैल को नहीं बल्कि 18 अप्रैल को ये डिमोलिशन
राजस्थान के अलवर में हुआ, 18 के 18 बाद में भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे। तो 14 और 18 यानी 32 पार्षद, 35 पार्षदों के इस राजगढ़ में पूरे बीजेपी के ही हैं। सर्वसम्मति से इन सब लोगों ने उसको पास किया, उसका चेयरमैन बीजेपी का आदमी। वो चाहते तो डिसेंट नोट दे सकते थे पर नहीं दिया, जिसकी नींव 7 महीने पहले रख दी गई थी। उसको न्यूज 18 जो कि अंबानी का चैनल है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसके नफरती एंकर हैं, आपके सामने ये कहकर बोलते हैं कि 20 अप्रैल को हुए जहांगीरपुरी के बदला लेने के लिए किया गया था। एक न्यूज चैनल बैठकर सरेआम आपके सामने झूठ परोसता है। और मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछना चाहती हूं कि आप चुप बैठे रहेंगे? सोच के देखिए कि अगर आपकी जगह पे यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार होती और उसके बारे में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी एंकर ने, किसी न्यूज रीडर ने, किसी रिपोर्टर ने इस तरह की गलत खबर चला दी होती तो क्या होता? अशोक गहलोत जी, आप ही को बोला गया है औरंगजेब, जबकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपका इससे लेना देना नहीं है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।